गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ जंक्शन। अभी तक हमने आपको सभी फॉर्मूलों के बारे में बताया और हमने कुछ कंसेप्ट्स क्लास 9 के मैथ्स और क्लास 10 के मैथ्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया। थैंक यू, आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आपने कुछ ने हमें सब्सक्राइब किया, बहुत से लोगों ने हमारी वीडियोज़ को देखा और उन्होंने ही हमें ये मैथ की ट्रिक के बारे में एक क्वेरी की कि सर, ये आजकल बहुत बार आपने रूबिक्स क्यूब के बारे में सुना होगा, तो ये रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप हमें ऐसी कोई ट्रिक सिखाएं। हमने देखा है नेट पे कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इसको एक ही मिनट के अंदर सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। आज हम आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट क्यूब दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2x2 का क्यूब है, उसके बाद हमारे पास ये 3x3 का क्यूब है और ये हमारे पास 4x4 का क्यूब है। ये तो हमारे पास सिमेट्रिक क्यूब है। अब इसके बाद हमारे पास एक क्यूब है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें तीन तीन कट हैं। तो ये है तो क्यूब 3x3 का, बट इस क्यूब में क्या खासियत है, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अनइक्वल गैप्स पे कटिंग है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। किसी बॉक्स का साइज ज़्यादा है, किसी का कम। आज इसी ट्रिक को हम आपको अपने स्टूडेंट्स के थ्रू दिखाने जा रहे हैं। हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, गौतम खंडेलवाल और हर्षित गर्ग। अब हमारे पास जो दो स्टूडेंट्स हैं, गौतम इसको परफॉर्म करके दिखाएगा और हर्षित इसको शफल करेंगे, ताकि आपको पता चले कि अगर कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन उनको शफलिंग करके देता है तो विद इन 1 मिनट आपको ये चारों क्यूब में कैसे सॉल्व करना है। तो 1x1 पहले हम हर्षित इसको शफल करेगा और उसके बाद गौतम इसको 1x1 बनाएंगे, ठीक। तो अब हर्षित आपको 1x1 सभी क्यूब्स को शफलिंग करेगा, यस, ताकि ये आपके सामने रहे कि सफल हमने किसी और स्टूडेंट से कराया है, उसके बाद किसी भी तरह से सफलिंग की गई हो, हम किसी भी क्यूब को विद इन 1 मिनट सोल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने थर्ड क्यूब रखा जाएगा, जो हमने आपको दिखाया था कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो अनसिमेट्रिक है, उसकी क्या है कटिंग्स जो है इस तरह से बनाई गई है कि कोई ऊपर और कोई नीचे, देखना उसकी शेप में आपको फर्क पता चलेगा। ये जब हम क्यूब को डिस्टर्ब करते हैं तो ये हमारा इक्वल पार्ट्स में नहीं रहता, चाहे किसी भी तरह से शफलिंग की जाए किसी भी क्यूब को विद इन 1 मिनट हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो हमारे पास 2x2 है, 3x3 है और सिमेट्रिक का नहीं है, नॉर्मल टेढ़े क्यूब्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर 3x3 का क्यूब है, इसमें एक तो सेंटर पीस होता है जो कि चारों साइड का सेम रहता है, कभी भी बिगड़ता नहीं है, मेरा मेरा नहीं होता। और फिर आता है एक क्वार्टर पीस जिसके अंदर तीन साइड्स होती है, जैसे कि ये वाला पीस दिख रहा होगा, इसमें ग्रीन येलो और ऑरेंज है, तो इसमें तीन पीस होते हैं, क्वार्टर पीस कहते हैं इसे। और कॉर्नर पीस के अंदर हमेशा तीन पीसेस होते हैं और इसको आप नीचे करोगे तो इसमें तीन पीस लेंगे, तो नॉर्मली ये कॉर्नर पीस होता है। फिर ये एच पीस आता है, एच पीस के अंदर दो पीसेस होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, दोनों डिफरेंट कलर के अंदर पीसेस होंगे। तो जब भी इसे अरेंज करते हैं तो ये एच पीस के नाम से इसको बताऊँगा, और बस ये दो टाइप के पीस होते हैं और एक ही सेंटर प्लेस होता है। अब इसके अंदर फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर। क्यूब के फॉर्मूले आपको वैसे तो पता ही होंगे, उस हिसाब से तो अलग अलग कलर के होते हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू येलो वाइट। तो वाइट के अपोजिट में येलो होता है, ब्लू के अपोजिट ग्रीन होता है और रेड के अपोजिट येलो ऑरेंज। तो हम हमेशा जब भी क्यूब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं, तीन लेयर्स होती हैं इसमें, एक तो फर्स्ट लेयर होती है, उसके बाद सेकंड लेयर होती है। फर्स्ट और सेकंड लेयर हम सीधे करके बनाते हैं और उसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड लेयर बन जाती है फिर थर्ड लेयर के लिए हम उल्टा कर देते हैं क्यूब को और उसके बाद फॉर्मूलेस लगाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्यूब है, इसके अंदर सारा शफल्ड है, तो इसमें हमें जब फर्स्ट लेयर बनानी होती है प्लस बनाना होता है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लो, मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ हमेशा, तो वाइट का प्लस बनाती हूँ मैं पहले ऊपर, तो वाइट का प्लस बनाना होता है, जैसे कि आपको कलर मैच करके करना होता है।
वाइट ऑरेंज है आपके पास एक पीस, एच पीस है ये, इसमें दो कलर है तो आप वाइट का तो वाइट से मैच हो गया है, तो अब आपको ऑरेंज का मैच करना है ऑरेंज के साथ, ऑरेंज का सेंटर पीस जहाँ पे हो उस तरफ को रोटेट करना है इसको एच पीस को वाइट ऑरेंज के, तो आपका ऑरेंज पीस यहाँ पे है सेंटर का, तो ये एच पीस को सेंटर पीस के पास लेके जाइए लेफ्ट करके, तो ये आपके आपके मैच हो रहे हैं, ये वाइट का वाइट से मैच हो रहा है, ऑरेंज का ऑरेंज से मैच हो रहा है। इसी तरीके से बाकी के एच पीसेस भी लगाने हैं सेंटर के पीसेस के साथ, जैसे वाइट ग्रीन है तो वाइट ग्रीन को आप यहाँ से ऊपर लगा हुआ है इसे यहाँ से हटा के, और हमें वाइट ग्रीन की जगह ले जाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे ब्लू और ब्लू के अपोजिट में होता है ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन है। अब आपको यहाँ पे वाइट ग्रीन को ले जाके यहाँ पे लगाना है जिससे कि वाइट ऊपर आए ग्रीन नीचे, तो इधर से हम हटाएंगे इसे। अब यहाँ से हटाने के लिए जब ये इधर फेस कर रहा है तो इसको हम नीचे करेंगे इस तरफ ताकि ये पीस इधर से हट जाए, ये हटा यहाँ से, अब आप इसको नीचे ले जाएंगे ऐसे करके, ये यहाँ पे है तो इसको नीचे की तरफ कर देंगे, फिर ये अब यहाँ पे आ गया आपका वाइट यहाँ पे है और ये यहाँ पीस हम ले आए और ग्रीन ये रहा आपका कलर, तो हम इसको सिंपली यहाँ से इसकी तरफ रोटेट कर देंगे, ग्रीन ग्रीन मैच हो गया, अब इसको टू टाइम्स ऊपर रोटेट करके ये वाइट ग्रीन मैच हो जाएगा। ये पीस यहाँ पे था जब हम लेके आए थे, उसके बाद यहाँ से मैं लेके आया यहाँ पे ग्रीन पे, ग्रीन ग्रीन मैच किया, फिर हमने वाइट के पीस को वाइट से मैच करने के लिए ग्रीन तो हो गया, तो वाइट को वाइट से मैच करने के लिए मैं इसको ऊपर की तरफ ले आया, तो आप देख सकते हो ऑरेंज वाइट मैच है, वाइट ग्रीन मैच है। ऐसे ही बाकी के दोनों पीसेस भी लगाने हैं तो मैं लगा देता हूँ। जब आपको यहाँ पे नीचे होता है तो एक टाइम ऊपर रोटेट करेंगे और फिर इस तरफ रोटेट करेंगे ताकि इधर आ गया, अब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आपके पीसेस डिफरेंट मिसप्लेस हो गया तो आपको इधर रोटेट कर देंगे तो सारे आपको वापस ऐसे देखने मिल जाएंगे, जैसे कि ये था, जैसे कि ये था, ऐसे था। मैंने क्या किया इसको ऊपर किया, इधर रोटेट किया, इसको ऊपर लगाया, ब्लू पीस के आप मैच कर दिया ऑरेंज ऑरेंज से ग्रीन ग्रीन से, लास्ट पीस में लगा दिया, लग गया है आपका ये प्लस बन गया है। कोई और भी कलर अगर यहाँ पे लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो नॉर्मल उसके अंदर बाद में लगाने हैं। तो अब हमें कॉर्नर पीसेस सेट करने हैं इसके, ये कॉर्नर पीस में तीन कलर होते हैं ऑरेंज ब्लू वाइट। अब इसको कहाँ पे लगाएंगे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ऑरेंज ब्लू वाइट एक सेलेक्ट कर लिया आपने, ये तीनों कलर कहाँ पे मैच हो रहे हैं वो देखना आपको, ऑरेंज ब्लू वाइट, ऑरेंज ये रहा, ब्लू ये रहा एंड वाइट ये रहा, तो ये तीनों के ये कॉर्नर पीस कहाँ लगेगा, सीधी बात यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आपको ये वाला पीस यहाँ लगाना है, तो ये आप देख रहे होंगे ये फेस कर रहा है ऊपर की तरफ, ये वाइट वाला, अगर मैं ऐसे ऊपर करूँगा तो यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं करना होगा, इसको पहले लेफ्ट की साइड रोटेट करके इसको नीचे लाना होता है ताकि ये इसके साथ मैच करके ऊपर रहे, उसके जो ये एच पीसेस हैं ये एच पीसेस हटने नहीं चाहिए, जब तक एच पीसेस वहाँ पे रहेंगे तब तक ही आपको ट्यूब बनता रहेगा, वरना ख़राब हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पीस यहाँ पे था ऐसे, मैंने इसको लेफ्ट रोटेट किया, फिर इसको नीचे किया और फिर उसके बाद ये यहाँ पे लगा के ऊपर कर दिया, इस साइड हो गया यहाँ पे। अब देख सकते हैं आप ये यहाँ पे ऑरेंज ब्लू और वाइट के तीनों कॉर्नर पीस मैच कर रहा है इससे। अब ऐसे यहाँ पे भी लगाना है, ये यहाँ पे इस तरफ है तो आपको जब भी अगर ये ऊपर मिले तो सबसे पहले आप उधर से उसे हटा लीजिए नीचे की तरफ, हटा लिया, अब ये इसको वापस लेके आना है, अगर इसको वापस ले जाओगे वापस उधर से लगाएगा, इसलिए आपको पहले इसे इधर से लेफ्ट की तरफ हटाना है, क्योंकि राइट की तरफ हटाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो लेफ्ट को हटा के इसको ऊपर कर देना है। अब ये पीस को इधर लेके आना है, आपने पहले देखा था कि वाइट पीस यहाँ आ रहा था लेकिन हमें यहाँ आ रहा है इस तरफ, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके से करना होगा, इसको नीचे की तरफ लाएंगे, इसके अंदर उससे ईजी होगा, इसको जैसे नीचे लाए फिर उसके बाद इसको राइट साइड लेफ्ट की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देंगे, इससे भी ऊपर करने के बाद साइड कर देंगे, ये था ऐसे यहाँ पे था, मैंने ये इसको पीस
इसको नीचे किया, राइट वाले को राइट डाउन किया, फिर ये बॉल इसको डाउन साइड को इसने करा और फिर अप कर दिया, ये यहाँ पर सेट हो गया। ऐसे बाकी के दोनों पीसेस भी लगाने हैं, ये यहाँ पर भी उसी तरीके से, तो मैं उसी तरीके से लगा लूँगा, इधर हटा के फिर उसे नीचे करके ऊपर लगा दें। ये वाला पीस नीचे है, नीचे की तरफ जब होगा, एक आपका सिचुएशन आई थी जब यहाँ पे था वाइट, फिर एक ही सिचुएशन आई जब यहाँ पे था, अब एक डाउन की सिचुएशन आई है जिसके अंदर हमें डाउन पीस को लेफ्ट की तरफ करके और फिर इसको डाउन करना पड़ेगा राइट डाउन, और डाउन लेयर को इस तरफ करके टू टाइम्स रोटेट करना है, इधर इधर था इसको इधर करके इधर टू टाइम्स रोटेट करके राइट साइड अप कर देंगे, फिर राइट साइड अप कर देने के बाद में यहाँ पे ये इस तरफ फेस हो जाएगा। इसके बाद तो मैंने आपको बताया था कि इधर के सिचुएशन में आते तब क्या करना होता है, वो वापस देख लेते हैं कैसे करना था। ये यहाँ पे था, आप लोगों को इसको इधर से हटाना है, इधर की तरफ करना है लेफ्ट की तरफ, इस पीस को नीचे लाना है और फिर इसको टू टाइम्स रोटेट करके ऊपर कर देना है जिससे कि यहाँ पे आ जाए, और इसके बाद में ऊपर सिचुएशन आ जाएगी जो बताएगी, इसके अंदर इसको लेफ्ट की तरफ करके इसको बाउंड करके और इसको करके ऊपर बनाओ कर, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ये फर्स्ट लेयर बन गई आपकी, ये मैच करके बनाने के लिए किया था, तो ये सारे के सारे ऊपर की फर्स्ट लेयर मैच कर रही है और जो इसके एच पीसेज है कॉर्नर से मैच कर रहे हैं, रेड रेड ब्लू ब्लू ऑरेंज ऑरेंज फिर भी, तो कॉर्नर पीसेज भी उसके उस हिसाब से कलर वाइज लगाने हैं। तो ये फर्स्ट लेयर बन गई है, अब फर्स्ट लेयर के बाद में सेकंड लेयर के अंदर फॉर्मूलेज होते हैं, तो सेकंड लेयर के फॉर्मूलेज आपको यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अंदर ये फ्रंट साइड है एफ साइड, ये एफ साइड होती है, जो ये आप क्यूब अगर ऐसे पकड़ रखा है तो ये आपकी फ्रंट साइड है, उसके बाद में लेफ्ट साइड ये वाली साइड होती है, राइट साइड ये हो गई, आपका ये फर्स्ट व्यू है इसका क्यूब का, जहाँ पर आपका फ्रंट फेस है तो फर्स्ट व्यू होता है, लेफ्ट और राइट डाउन ये होते हैं, और उसके बाद बैक आता है, बैक का ये होता है, मतलब आपका ये फ्रंट है ये बैक फेस हो गया, उसके बाद में ये अपर फेस आता है आपका, ये वाला ये आता है डाउन फेस आपका, ये अपर फेस ये डाउन फेस, और ये आर राइट फेस, ये एल एल फेस एफ फेस, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे हम हमने सेकंड लेयर के फॉर्मूले देखे हैं, जो सेकंड लेयर होती है मिडल लेयर होती है, इसके अंदर दो फॉर्मूले होते हैं रेड साइड और लेफ्ट साइड, तो रेड साइड के अंदर आपका ये होता है कि आप एक कोई कलर देखिए, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये येलो कलर की पीसेस कभी भी यहाँ पर लगेंगे नहीं, येलो के नीचे के होते हैं, तो येलो के पीस को बिल्कुल अवॉइड करके बाकी के कलर्स देखने हैं, जैसे ये मेरे को एक ग्रीन और ऑरेंज कलर का पीस, अब ये ग्रीन और ऑरेंज पीस को हमें कहीं पे मैच करना है, जैसे मैंने आपको बताया था एज को सेंटर से मैच करना होता है, उसी हिसाब से ये ग्रीन वाला एज का पीस हमें ग्रीन की तरफ मिलाकर मैच करना है, तो ये टी बन गया एक तरीके से, ग्रीन का एज ग्रीन के एज से मैच हो रहा है। अब ऑरेंज किस तरह से आपको वो देखना है, ग्रीन के लेफ्ट साइड में ऑरेंज है, तो आपको लेफ्ट साइड का फॉर्मूला लगाना होगा इस साइड को फ्रंट फेस लेके, मतलब ये आपकी फ्रंट फेस रहेगी फर्स्ट व्यू, ठीक है, तो फिर आपको ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके अंदर की फर्स्ट व्यू का फॉर्मूला है डी राइट साइड एल डाउन डी लेफ्ट साइड एल अप डी साइड, उसके बाद में जब ये डी साइड हो गई तो आपको सेकेंड व्यू पे आ जाना है, लेफ्ट की तरफ गए तो हमारा लेफ्ट साइड का फॉर्मूला है, तो लेफ्ट का ये वाला जो फेस होगा ये हमारा सेकेंड व्यू होगा। अब सेकेंड व्यू के अंदर हमें क्या दे रखा है, आर डाउन करना है, डी लेफ्ट साइड राइट साइड करना है और फिर आर अप कर देना है। आप अब नॉर्मल देख सकते हैं कि पहले जो ग्रीन था वो टी बन रखा था, जिसके अंदर की ग्रीन का टी मतलब ऐसे बन रहा था और ग्रीन और ऑरेंज नीचे की तरफ था, हमने लेफ्ट साइड का फॉर्मूला लगाया तो ये इससे मैच हो गया, ठीक है, तो मैं आपको इसको वापस से लगा के दिखाता हूँ।
ऐसे लग गया है, तो दूसरा करते हैं, दूसरा पीस लगाएंगे। अब जो हमारा नीचे की तरफ रेड और ब्लू है, रेड ब्लू हमारा, हमने रेड को एच को एच से एच को सेंटर से मैच कर दिया। अब ये टी बन गया हमारा रेड और ब्लू का। अब ब्लू किस तरफ है, ब्लू जो हमारा एच पीस का सेकेंड कलर है वो है राइट की तरफ, तो हमें यहाँ पे राइट साइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो राइट साइड के फॉर्मूले के लिए फर्स्ट व्यू है ये हमारा एफ इस, ये हमारा फर्स्ट व्यू है। इसके अंदर हम डी को लेफ्ट साइड लेंगे, राइट को डाउन, डी को राइट की तरफ, आर को अप, डी को इस तरफ। अब जब हमने राइट की तरफ किया है डी को, तो ये राइट फॉर्मूला है, तो हमें राइट का जो साइड है इस वाली साइड को हमें सेकेंड व्यू लेना पड़ेगा। अब ये सेकेंड व्यू है, इसके अंदर हमें एल डाउन डी लेफ्ट और एल अप वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप एल डाउन करेंगे, डी लेफ्ट करेंगे, एल अप करेंगे, तो ये आपके यहाँ पे बन जाएगा। पहले यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे ऐसे थे, टी बन रहा था, और ये हमारा राइट का फॉर्मूला लगा दी, इस एच को सेंटर से मैच कर गया है। इसी तरीके से हमें बाकी ये दोनों पीसेस लगाने इसी फॉर्मूले से। आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो राइट का फॉर्मूला लगेगा कि लेफ्ट का फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। तो मैं पहले ये बना देता हूँ। इसके अंदर लेफ्ट का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रीन लेफ्ट की तरफ है और ये डी बन रहा है, तो मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। डी राइट, एल डाउन, डी लेफ्ट, एल अप, डी साइड, सेकेंड व्यू आर डाउन, डी साइड आर अप, लग गया। सही मैं बना देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं आप सारे के सारे पीसेस लग चुके हैं। अब इसके बाद में हमारे ये फॉर्मूले आते हैं थर्ड लेयर के। मैंने आपको बताया था जब हम फर्स्ट और सेकंड लेयर बनाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड हम बनाते हैं नॉर्मल सीजर के, थर्ड लेयर के अंदर फर्स्ट सेकंड लेयर बन गई, तो हमें थर्ड लेयर के लिए क्यूब उल्टा करना है। क्यूब उल्टा करके हमें एक साइड जिसके अंदर एफ साइड लेते हैं, जिसके अंदर जो येलो कलर की एक डॉट बीच के अंदर आ रही है, बीच के एच बीच पे एक येलो कलर की डॉट हमारी फ्रंट फेस में आ रही हो, उस साइड से हमें ये फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है। एफ साइड आ रहा है बीच साइड वाला, जिसके अंदर कि आप जैसे ये क्यूब है, यहाँ पे एक डॉट आ रही है येलो की तरफ एच बीच के अंदर, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे एफ साइड आ रहा बीच साइड को, एफ साइड आ रहा क्यू साइड आर डाउन क्यू इस तरफ, ये हमारा लग गया। अब ये जेड टाइप लग गया है, अभी इसमें कुछ दूसरा फॉर्मूला लगाना, अभी यही फॉर्मूला लगाते रहना है जब तक कि आपके डॉट्स एच पीस के अंदर ये डॉट्स आते रहे नीचे, तो अभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है एफ साइड आर एफ वाला, एफ साइड आर एफ, यू साइड आर डाउन, यू साइड एफ साइड। ये आपका अभी ये बन गया आपका, जिसमें दो पीसेज रह रहे हैं सिर्फ करने। ये जब भी वाला पैटर्न बनता है, ये प्लस के अंदर दो डाउन के साइड के कॉर्नर्स लग जाते हैं, इसके अंदर आपको सेकंड फॉर्मूला लगाना होता है आर एफ यू साइड वाला। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला जब सिंगल बन जाता है, तो हमें क्यूब को उल्टा कर लेना होता है, ठीक है। ये इस तरफ एक डॉट आनी चाहिए और बाकी के सारे ऊपर के मैच ऊपर रहनी चाहिए। अब इसको ऐसे कर लेंगे कि ये फ्रंट फेस हो जाए, ये ऊपर रहे येलो साइड और ये फ्रंट फेस हो जाए, ताकि ये जो एक साइड येलो इधर आ रहा है, एक साइड येलो इधर आ रहा है, ये फेस काम करे। अब इसके अंदर आपको आर अप वाला फॉर्मूला लगाना है, आपको देख रहा हूँ आर अप यूज करने वाला सेकेंड फॉर्मूला, आर अप यू लेफ्ट की साइड, आर डाउन यू साइड, आर अप यू साइड, यू साइड आर डाउन, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से प्लस मिल गया है इसके अंदर, इस प्लस के अंदर आपको जब येलो का प्लस बना है आपका, ये अपोजिट साइड में व्हाइट के अपोजिट साइड येलो होती है, तो इसका आपका ये बन गया है। अब इसके अंदर भी आपको सेकंड फॉर्मूला लगाना है, तो आपको सिचुएशन को बनी होगी, इसके अंदर ये सिचुएशन बन गई है, लेकिन जो आपकी वो एक सिचुएशन आएगी जिसके अंदर की हमने अभी वो लगाया था ये वाली, इसके अंदर एक सिचुएशन आती है जिसके अंदर ये व्हाइट सॉरी ये येलो वाले इधर भी होते हैं, येलो वाले पीसेस ये जैसे इस तरफ येलो ये इधर होगा और ये येलो इधर होगा। तो अब ये सिचुएशन दूसरी सिचुएशन होती है जो मैंने आपको बताई थी,
इस सिचुएशन के अंदर एक इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, मैंने बताई थी। तो अब उसकी जगह ये दो या जो पीसेस आगे ही तरफ है, इसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। इस तरफ से जब ये दोनों नॉट शेयर लोग क्वार्टर पीसेस में हों और ऐसे बन लो, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला आर एफ यू साइड आ रहा हूँ, यू साइड आर एफ, यू साइड यू साइड आ रहा हूँ। इसके बाद आपकी एक फिश बन जाती है, ठीक है। अब ये फिश आप देख रहे होंगे कि ये फिश इस तरफ जो ये हो ऐसे फिश जा रही है, चार पीसेस लगे हुए इधर के और दो ऐसे पीसेस लगे रखे, और ये तीन पीसेस लगे रखे। अभी ये हमें फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से आगे सेट करने हैं। तो अब यहाँ से आपको इस तरफ से जो फिश है, फिश का ये फेस साइड होता है, ये फेस साइड होता है जिसके अंदर की ये पीछे की जो हमने दोनों पीसेज हैं इसको मतलब बैक लेके चलना होता है, और ये एफ एस लेना होता है जिसके अंदर की दो लग रखे होते हैं, ठीक है, और एक इस तरफ का राइट साइड का नहीं लगा होता। ऐसी फिश लेनी होती है हमेशा। फिर इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है आर एफ यू साइड वाला, ये वाला आर एफ यू साइड आर डाउन, यू साइड आर एफ, यू साइड यू साइड आर डाउन। अभी फिर से फिश बनी है, ये इसलिए बनी है क्योंकि ये जो पीस है ये इस तरफ है, जबकि सारे पीसेस इस तरफ रोटेट हो रखे, मतलब ये फ्रंट की तरफ नहीं आ रहा है, येलो इसका येलो कलर फ्रंट की तरफ नहीं आ रहा, इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इन मतलब एक अकॉर्डिंग वाइज उस तरफ हो रखे हैं। तो इसमें जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी ये वाली फिश बनेगी जिसके अंदर की ये सारे की ये सारे के सारे येलो पीसेस आगे की तरफ होंगे। फिर से आपको ये लगाना पड़ेगा, समटाइम्स जब आपको ये क्यों बाद में बनाएंगे, जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी छः पीसेस ये लगा रखे थे और एक ये एफ पीस लग रखा था, उसके बाद जब लगाते हैं तो कई बार ये भी बनता है। तो अगर यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक ही चांस मतलब एक ही अटैम्प्ट में बन जाएगा ये फॉर्मूला लगाने के साथ ही। लेकिन अगर ये इस तरफ होगा तो आपको दो बार ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आप ये मत समझना कि ये गलत फॉर्मूला लगा है, उसको दो बार लगाना है और फिश को ऐसे ही रख के लगाना है जब तक कि आपको ऊपर का पूरा फेस मिल नहीं जाता। अब मैं लगा रहा हूँ आर साइड वाला फॉर्मूला, आर एफ यू साइड आर डाउन, यू साइड आर एफ, यू साइड यू साइड आर डाउन, ऊपर का पूरा फेस बन गया है ना। तो अब एक दूसरी सिचुएशन है, सिक्स साइड्स वाली सिचुएशन आएगी, जब उसके मैं छह नंबर की और एक प्रॉब्लम रखा था, उसके बाद में जब इस तरफ और इस तरफ थे वो दोनों येलो पीस, उसके बाद में ये बन गया था हमारा, इसके अंदर हमें यहाँ से फॉर्मूला लगाना होता है, ये प्लस बन गया है, इसके अंदर ये दो डॉट्स हैं आगे पीछे की तरफ है और ये दो पीछे फ्रंट फेस की तरफ है, ये दोनों बैक की रफ हो रखी हैं। तो अब हमें यही आर एफ यू साइड वाला फॉर्मूला ही लगाना होता है इसमें, लेकिन हमें इस तरफ से ही लगाना होता है। अगर इस तरफ से लगाएंगे हम तो क्यूब आप बार बार लगाते रहेंगे फॉर्मूला वो बनेगा, तो इस तरफ से लगाना है आर एफ यू साइड आर डाउन, यू साइड आर एफ, यू साइड यू साइड आर डाउन। अब ये वाली बन गई आपको सिचुएशन, इसके अंदर की ये पीसेस लग रखे हैं, सात पीसेस लग रखे हैं, इसके अंदर आपकी फिश के अंदर एक पीस ऐड हो, मतलब फिश ऐसे होती थी और यहाँ पे एक पीस ऐड हो चुका है। तो आपको इस तरफ से बनाना है हमेशा, फिश जैसे बना रहे थे बराबर, कि ये येलो डॉट आगे की तरफ होना चाहिए, ये आर एफ यू साइड वाला फॉर्मूला लगाना है। अभी ये डॉट आगे की तरफ है तो आप आर एफ यू साइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर एफ यू साइड आर डाउन, यू साइड आर एफ, यू साइड यू साइड आर डाउन। ये वाले सिचुएशन हो गए, आपको और इसे बनाना है पूरा, जो मैंने बताया था पहले ही पूरा बना देता हूँ, बन गया है। अब इसके बाद में जब ये आपकी पूरी मतलब थर्ड डे की जो ये येलो पीस ये येलो कलर पूरा मैच हो जाता है, नीचे के आप देख रहे हैं मिसमैच है, ये सारे मैच हैं, तो आपको ये थर्ड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आर डाउन लेफ्ट साइड वाला, इसके अंदर की ये राइट वाला पीस है, हमें ये फ्रंट लेना होगा क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये सारे मतलब अलग अलग कलर के हैं, ये तीनों अलग अलग कलर के हैं, इसके अंदर दो मैच हो रहे हैं लेकिन ये इस तरफ का है। ये सबसे ज़्यादा सही मतलब हमेशा इसके अपोजिट साइड से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बीच की डॉट रह रही है, बाकी के दोनों बने हुए हैं, तो हमेशा इसके अपोजिट साइड से बनाएंगे। तो यहाँ से ये बैक है और ये फ्रंट हो जाएगी हमारी,
ठीक है, तो ये आप फ्रंट लेके चलेंगे, आर डाउन करेंगे, एफ साइड करेंगे, आर डाउन करेंगे, बैक साइड करेंगे, आर अप करेंगे, एफ साइड करेंगे, आर डाउन, बैक साइड आर आर। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको एक क्यूब इस सिचुएशन में आ जाएगा जिसके अंदर की ये बीच की डॉट्स मिसमैच होगी, बाकी सारा कॉर्नर पीसेस बन जाएंगे। एक वो भी आएगा जिसके अंदर की ये वाला नहीं बन रहा होगा, मतलब चार चार डॉट्स बने नहीं होंगे, तो ये वाला हो, ये चारों के चारों नहीं बन रखे इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड का जब चारों नहीं बन रखे तो दोनों में क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों से जाएंगे। तो आपने मैं पहले राइट साइड का लगा रहा हूँ, अभी इसको येलो को इस तरफ लाना है तो राइट साइड का लगा रहा हूँ, लेफ्ट साइड एफ साइड यू साइड एंड डाउन आर डाउन, लेफ्ट साइड एफ साइड एल एफ आर एफ यू साइड एफ साइड एफ साइड, ये येलो यहाँ पे था, ब्लू के बीच में था येलो का पीस, लेकिन यहाँ पे आ गया है। तो आप देख रहे हो ये पूरी पेज इसकी बन गई है, ऑरेंज की और येलो की तो हमारी बन गई थी साइड पे। तो अब ये तीन आप देख रहे हो, तीन मिसमैच है। अब आप देख सकते हैं ग्रीन वाला है, ग्रीन को इस तरफ लगाना है, मतलब हमें राइट इधर से लेफ्ट से राइट में लेके जाना है। जब भी हमें कोई पीस लेफ्ट से राइट में लेके जाना है तो हमें लेफ्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर राइट से लेफ्ट में लेके जाना है तो राइट वाला लेफ्ट वाला भी मैं लगाऊंगा, तो ये पूरा क्यूब बन जाएगा, एफ साइड यू साइड एल एम आर डाउन, एफ साइड एल एम आर एम यू साइड एफ साइड एफ साइड, हमारा पूरा क्यूब बन गया है ये लेफ्ट साइड के फॉर्मूले से। एक राइट साइड का फॉर्मूला रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे जब ये हमारा जैसे राइट से लेफ्ट में लेके जाना है हमें रेड को उधर लाना है, तो हम ये राइट वाला लगाएंगे एफ साइड यू साइड एल डाउन आर डाउन, एफ साइड एल अप आर अप यू साइड एफ साइड, इससे हमारी सिक्स की सिक्स फेसेस पूरी बन जाएंगी क्यूब की, और ये क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक मिनट के अंदर अंदर आपको क्यूब पूरा। तो आप ये देख रहे हैं, आपको 3x3 का तो मैंने बता ही दिया पूरा कि कैसे वो पूरा सॉल्व होगा, लेकिन अब जो ये 2x2 है और ये 3x3 है, मिरर क्यूब कहते हैं इसे, इसके अंदर डिफरेंट पीसेज होते हैं लेकिन इसमें भी फॉर्मूला वही लगता है और इसमें भी फॉर्मूला वही लगता है। इसमें कुछ फॉर्मूलाज का मतलब वो होता है कम फॉर्मूले लगते हैं इसके अंदर उससे, तो आपको जैसे फर्स्ट लेयर तो नॉर्मल उसी तरीके से बनानी होती है, उसमें बनानी होती है बस इसमें बनाना होता है उसमें डायरेक्ट कॉर्नर पीसेस लगाने होते हैं, जैसे कि ये कोई एक पीस ऊपर है वाइट का, तो ये मैंने बाकी के लगा दूंगा इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर कोई भी वो फॉर्मूला नहीं लगाना होता है एफ साइड वाला, इसके अंदर सीधा ये आर यू साइड वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं ये फिश का लग गया है, इसके अंदर एक डॉट आ गई, बाकी तीन फिशेस के हैं, तो आप इसी फॉर्मूले से लगा के और इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये 3x3 का क्यूब है, इसके अंदर थोड़ा हार्ड है, इसके अंदर आप ना एक जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो सेलेक्ट कर लें कि कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है, और उसके उससे स्टार्ट करें, मतलब आप क्यूब बनाना। इसके अंदर आपका जैसे आप इसके अंदर कलर दिए होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको साइज के हिसाब से लगाने होते हैं क्यूब के पीसेस। तो मैं जैसे पीस देख लेता हूँ कौन सा कहाँ पर लगेगा, ये जैसे लॉन्गेस्ट पीस है यहाँ से हटा के मैंने इसकी तरफ लगा दिया है, और ये इधर से मतलब एक लेवल में आना चाहिए, पीस इधर लेवल में आना चाहिए, इधर लेवल में आना चाहिए। अब मतलब आगे तो पता ही चल जाता है, देख के पता चल जाता है कि ये ऊपर नीचे है कि मतलब लेवल में है। अब ये पीस यहाँ से लेवल में नहीं है, यहाँ ऊपर से लेवल में है, मतलब ये इसी लेयर का पीस है लेकिन इस साइड की लेयर का नहीं है, ये किसी और साइड में लगेगा।
या तो यहाँ या यहाँ, तो इसमें इधर से हटा के जिसे उसके अंदर मैंने हटा के दूसरी जगह लगाया था प्लस बनाने के लिए, इसमें पहले प्लस बनाना होता है तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया। तो आप हटा के वैसे ही वहाँ से लगा सकते हैं नॉर्मली, कुछ भी करके ये ईजीली लग जाएंगे। इसका यहाँ से मैच हो गया, यहाँ से पूरा मैच है, मैच है। अभी कॉर्नर पीसेस भी ऐसे लगाने होते हैं, ठीक है। कॉर्नर पीसेस मैंने आपको जो उसके अंदर बताया था फॉर्मूला, उसी हिसाब से लगाने होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये मतलब ऊपर नीचे पीसेस हैं, साइज वाइज हैं, तो इसमें थोड़ी आपको हार्ड हो सकता है बनाने में। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप मतलब कोशिश करें तो बना सकते हैं, साइज के हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको इसमें। तो मैं पीसेस देख के लगा देता हूँ फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर फर्स्ट लेयर बन गई है। इसके बाद ये जो सेकंड लेयर का फॉर्मूला है वो यही वाला फॉर्मूला है, जिसके अंदर आपको उसका साइज देख के आपको इधर मैच करके देखना पड़ेगा, या आपका इधर मैच हो रहा है नीचे मैच नहीं हो रहा, तो आपको देखना है कि साइड में पास में ज़्यादा है। मतलब आप ये देख सकते हैं छोटा पीस है, तो ये यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ तो लग नहीं सकते, यहाँ पे लगेगा तो छोटा हो जाएगा। तो ये इसका जो ये नीचे वाला पीस है ये यहाँ का है, तो आपको इसको लेफ्ट की साइड लगाना है, तो आपको लेफ्ट साइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डी साइड एल अप, डी साइड एल अप, डी साइड आर डाउन, डी साइड सेकंड व्यू से लगाया था मैंने। तो इसी तरीके से इसके अंदर ये बाकी के भी लगा लेता हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं अभी आपके सामने हमारे स्टूडेंट गौतम खंडेलवाल ने आपको सभी तरह के क्यूब बनाने सिखाया। उन्होंने आपको फॉर्मूला भी रिटर्न में दिए हैं जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आपको सारे एब्रीवेशन भी सिखाए, क्यूब बनाना भी सिखाया। ये आजकल बच्चों के माइंड की इंटेलेक्चुअल्स को बढ़ाने के लिए, उनकी लर्निंग पावर को, स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो बच्चों की लर्निंग पावर को बढ़ाता है, उनकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाता है और उनके माइंड को शार्प भी करता है। अब वन बाय वन आपको हमारे सामने हमारे स्टूडेंट गौतम खंडेलवाल एक एक क्यूब बनाना सिखाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा वीडियो बार बार देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि अगर आपको 3x3 वाला क्यूब नहीं समझ आया या जो आपको टिपिकल लगा जो क्यूब ये वाला, तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, और उसकी अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहें तो हम आपके लिए सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। अब आपके सामने क्यूब बनने स्टार्ट होंगे, पहले 2x2 का क्यूब बनेगा, फिर 3x3 का, और फिर आपके सामने जो एक अनसिमेट्रिक क्यूब था वो बना के दिखाया जाएगा एक मिनट से भी कम समय में। टाइम को नोट करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो में आपको टाइम दिखाई दे रहा है, ये टाइम एक मिनट से भी कम लिया जाएगा। अब आपके सामने 3x3 क्यूब सोल्व किया जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कितना फास्ट मूव किया जा रहा है क्यूब के पार्ट्स को, तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप भी इसको बना सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है तो अभी मेरे को अच्छे से आता नहीं है, लेकिन ये दो मिनट के अंदर मैं फिर भी बना दूंगा। लॉन्ग स्टीच को मैंने आपको बताया था देख के। ये अनसिमेट्रिक वाला क्यूब है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि ये दो मिनट ही लेगा। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप इसको भी विद इन वन मिनट सोल्व कर सकते हैं कम्प्लीटली। इसका रिकॉर्ड भी है 30 सेकंड से अबाउट भी है वन रिकॉर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में टाइम कंटिन्यू मूव कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्टूडेंट इसको एक्टिविटी को फास्टली परफॉर्म कर रहे हैं। जो फॉर्मूले आपको सिखाए गए उन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपके सामने तीनों क्यूब्स रेडी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको और लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद आवर चैनल मैथ जंक्शन। थैंक यू।